लोग मुझे डैशिंग आमदार के नाम से जानते हैं। मैं डैशिंग हूं। अगर किसी मजदूर पे अन्याय कोई करके देखे, कितना भी बड़ा माई का लाल हो, रामकरम उसकी कॉलर पकड़ करके उस मजदूर को न्याय दिलाएगा, किसी के बाप से डरेगा नहीं। ये रामकरम का तरीका है काम करने का। कोई शूटिंग के सेट पे मेरा मेकअप मन गिर जाता है, मेकअप मन को कह दिया जाता है कि 5 लाख रुपए का ऑपरेशन है, तो रामकदम ने उसको बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? कल मेरा कोई सेटिंग स्टूडियो वाला वर्कर है, ऊपर से नीचे गिर जाए, सर फूट जाए, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन है, रामकदम ने बचाना चाहिए नहीं बचाना चाहिए? तो क्या रामकदम आज अगर ये ऐलान करे कि आज के बाद जो भी वर्कर सुने मेरा ध्यान से, आज के बाद जो भी वर्कर रामकदम के साथ जुड़ा है, उसके घर में कोई भी बड़ी बीमारी आई तो रामकदम उसको पूरी मदद करेगा, ये शब्द देने के लिए मैं यहां पर आया हूं। पर गए साल मैं बड़े शांति के स्वर में कह रहा था, अभी इस साल में कोई शांति के स्वर में कहने की मुद्रा में नहीं हूं। अरे दिल्ली में भी सरकार हमारा है, महाराष्ट्र में भी सरकार हमारा है, और जिस मजदूर के नाम पे कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं उनको मैं आज स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस फरवरी से, क्योंकि एक साल से मैं चेयरमैन ऊपर में काम नहीं देख रहा था, काम संजू और बाकी सारे लोग देख रहे थे, मैं केवल उनको कहीं तकलीफ आती है तो मैं ध्यान दे रहा था, पर आज मैं यहां पर मेरे परमात्मा को साक्षी रख करके कहने आया हूं कि 1 फरवरी से ये रामकदम रोज यूनियन का काम खुद अपने हाथों से देखेगा। और मेरे नाम पर कोई तुम्हारे जेब में हाथ डालता है, मेरे नाम पर तुम्हें कोई लूटने की कोशिश करता है, रामकदम के द्वार पर आने के लिए कोई जान पहचान की आवश्यकता नहीं, घाटकों पर मेरे घर चले आना, मेरा द्वार 24 घंटे आपके लिए खुला है। अभी एक भी प्रोड्यूसर मेरे नाद में लग करके देखे, एक भी प्रोड्यूसर मेरे वर्कर का पैसा रोक करके देखे, मुझे केसेस से डर नहीं लगता। मेरे पे 35 केसेस ऑलरेडी है, और कोई गरीब वर्कर के लिए अगर और 10 केसेस होते हैं, रामकदम कतई डरेगा नहीं। और अभी जहां शूटिंग होती होगी और मेरे वर्करों के साथ अगर कोई प्रोड्यूसर नाम बड़ा है, क्या करता है, इसकी पहचान है उसकी पहचान है, अरे बाबा तेरी किसके साथ पहचान है ये मुझे मालूम नहीं, पर ये रामकदम की गरीब मेरे यूनियन के वर्कर के साथ पहचान है, उसके लिए तुझे कुछ भी करने के लिए रामकदम तैयार खड़ा है। और अभी यूनियन के सेट पे, फिल्म शूटिंग के सेट पे वर्कर के साथ यदि अन्याय होता होगा तो रामकदम खुद अपनी गाड़ी से उस सेट पर आएगा, पर मेरे वर्कर का साथ देगा। अगर मेरे कोई भी मजदूर पर किसी ने अन्याय करने की कोशिश की तो रामकदम बिल्कुल सहन नहीं करेगा, फरवरी के महीने से खुद हर काम को ध्यान से देखेगा। मुझे मिलना अगर हो रविवार के दिन, घाटकों पर में आरसीटी मॉल है, आरसीटी मॉल के पीछे रविवार के दिन सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक आप में से कोई भी मुझे मिलने आ सकता है, आते समय कार्ड लेकर के आना। तो ये जो 45,000 मेंबर हैं, ये 45,000 मेंबर लोग जब अगले साल यहां पर आएंगे, उसमें से हजारों लोग स्टेज पे आकर के कहेंगे कि रामकदम के कारण मेरी मां का प्राण बच गया, रामकदम के कारण मेरे पिता की जान बच गई, रामकदम के कारण इस यूनियन के कारण हमारे घर में हमारे पुत्र की जान बच गई। यदि ऐसा कोई दिल से अंतरात्मा से अगर आशीर्वाद देता है
मुझे बताओ, धन दौलत वाला अंबानी बड़ा या लोगों की जान बचाने वाली है यूनियन बड़ी, कौन बड़ा? इसके लिए संजू ने जब गए हफ्ते में मुझसे कहा तो मेरी अपनी कल्पना है कि मैं अपने यूनियन के लोगों के लिए ऐसे एक अस्पताल का निर्माण करूं कि पांव में दर्द हो, पेट में दर्द हो, डॉक्टर के पास जाओ तो ऐसे काट डालता है कि महंगाई के जमाने में किसी को पोसाता नहीं। राम करम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता है, वहां पे आने का, कार्ड दिखाने का, कार्ड नहीं हो तो बोलने का मैं राम करम का आदमी हूं। उस अस्पताल में उसका स्वागत होगा, उसका सारा इलाज जैसे परिवार का सदस्य है वैसे उस तरह से होगा, उसकी जान बचाने का पूरा प्रयास होगा। और जो भी व्यक्ति रिटायर्ड होगा, मैं बता दूं, रिटायर्ड होने के बाद कभी यह मत समझना कि यूनियन ने तुमको छोड़ दिया, यह समझना रिटायर्ड होने के बाद आप सारे लोग यूनियन के सम्मानित सलाहकार हो। 24 घंटे आप यूनियन के ऑफिस में आकर यूनियन का काम संभाल सकते हो। जोरदार पुनः एक बार इन सबके लिए तालियां। मेरे साथ जितने भी यूनियन के लोग जुड़े हैं, मैं और भी क्षेत्रों में आगे आगे काम बढ़ाने वाला हूं। आपको संजू भाई बताएंगे, दद्दू बताएंगे, मेरा विजय कड़स्कर बताएगा। मैं अब तक जो था एक साल मैंने ध्यान नहीं दिया, ये मैं बता चुका हूं, पर 1 फरवरी से जो मैं शुरू करूंगा आप देखना चारों ओर केवल और केवल अपनी यूनियन का नाम होगा, बाकी झंडे सब गायब। घर जाकर दूसरी ओर बचे कुचे 10-20 लोग हैं, उनको प्यार से समझाकर अगले रविवार को, उसके अगले रविवार को राम कदम के पास ले आना। अब इंडस्ट्री में एक ही यूनियन रहेगी, वो हमारी रहेगी, बाकी सबका दुकान बंद। अगले साल जब यहां कार्यक्रम होगा, मेरी बात पे विश्वास रखना, अगले साल जब यहां कार्यक्रम होगा नीचे पूरी मीडिया की लाइन होगी और ऐसा बड़ा व्यक्ति इस कार्यक्रम को संबोधित करेगा कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सबके कान इस कार्यक्रम की ओर होंगे।